वहाँ पे आईटी पे कितना काम हुआ है, और जिस दौर में वो आईटी के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे थे, हम यहाँ पे मदरसे बना रहे थे। देखिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोपियन मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे ऐसे ट्रेड मुआहदे होते हैं। और कितना ये बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बेनिफिशियल तो है। उन्होंने मुसलमानों के हर चीज़ में वो कर रहे होते हैं कि टारगेट के मुस्लिम, ये कोई भी उनका कभी भी देख लें, अभी जो कि उनकी फ्लॉप मूवी, उसमें भी वो हमें मुसलमानों के एज जो है ना, जो टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान, और वो आज वही डिफरेंस हमारे दरमियान में आ गया है। हम एक एक अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, और उनकी इंडियन इकोनॉमी जो है वो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा है। इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा? इंडिया हमारे से, लाइक हम पाकिस्तान के साथ अगर कंपेरिजन करें तो इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हम तो अपने आप को वो उस रेस में नहीं शामिल कर सकते हैं कि अब हम इंडिया के मुकाबले में आ। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, पांचवे नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि मुल्क ने उन्हें दिया कुछ नहीं है। उनके लिए आना रहे इंडिया के लिए कि वो अमेरिका जैसी कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ रहे, लेकिन पाकिस्तान का कंपेरिजन अब कोई नहीं है इंडिया के साथ, वो बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान तो रह गया ना, पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। हम लोगों ने क्या कहा, बस मैं आपको क्या कहूँ, जैसे कहते हैं हुक्मरान वैसी अवाम, या जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। सारे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सब को पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ। आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान के मीडिया में पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है, जिसमें सवाल ये किया जा रहा है कि भारत इतना आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह चुका है, इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है ना, वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वीडियो पूरी देखना, आप लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या वजूहत है सर, वहाँ पर मोदी किस तरह से काम कर रहा है? हम मोदी को बड़े गंदे लफ्जों, बुरे लफ्जों में जानते हैं, लेकिन भाई उसकी एक मिसाल है, उसने सुई से जहाज तक अपना बनाना शुरू कर दिया। क्या वजूहत है, क्या समझते हैं सर? जब आप यंगस्टर्स को मोटिवेट करेंगे, जो आजकल का दौर बेसिकली आईटी का दौर है, अब यंगस्टर्स को मोटिवेट करें ताकि वो आईटी में इंटरेस्टेड हो। हमारे यहाँ तो मोटिवेशन ही नहीं है पाकिस्तान में तो मोटिवेशन है ही नहीं है, बल्कि हमारी ये वो हो गई हालत कि अब हमारे 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे। रिसेंट जो खबर आई थी 1 हफ्ता पहले, उन्होंने कहा है कि ट्विटर बंद किया हुआ है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब भी सब बंद कर दिए जाएंगे। क्या समझते हैं सर, एक तरफ भारत है जो कि अवार्ड दे रहा है अपने यूट्यूब फेसबुक कंटेंट क्रिएटर को, और दूसरी तरफ हम भाई कमा के अपने इकोनॉमी को भी दे रहे हैं, तो हमें बैन किया जा रहा है कि ये सब कुछ बंद कर देंगे? बड़ी क्लियर चीज़ है कि आप इंडियन माशियत को देखें कि उनमें आईटी के जो लोग हैं वो 75% के लगभग पहुँच गए हैं, जो उनकी माशियत में शरीक हो रहे हैं, और पाकिस्तान में आईटी का जो 1.5% के लोग जो है आईटी में हमें प्रमोट कर रहे हैं। क्या समझते हैं सर, अगर हमारे जो ऑफिशियल लेवल, क्योंकि काम तो वही करेंगे, आगे सर्व तो हमने करना है, जब वो हमें इस तरह से सहूलियात नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्या यंग यूथ इधर रहेगी? जिस तरह से 10 लाख, अभी मैं थोड़े बता रही हूँ, 10 लाख से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी यंग यूथ बाहर चली गई। अब कितनी बड़ी मसाला है कि अमेरिकन बॉर्न, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क लेकिन वहाँ स्टडीज़ नहीं करा, वहाँ पर से इंडिया गया और इंडिया जाके स्टडीज़ करा, तो क्या डिफरेंस आ रहा है सर? मैंने आपको क्लियर कट चीज़ बताई कि जिस दौर में इंडिया आईटी के स्कूल्स और कॉलेज बना रहा था, हम उस दौर में पाकिस्तान में मदरसे कायम कर रहे थे तालिबान के लिए, ठीक है। अब हम तालिबान ही क्रिएट करेंगे, हम उन्हीं को अफोर्ड करेंगे। आज तालिबान वहाँ पे आ गए, आज तालिबान वहाँ पे आ गए, हम यही सुनने को मिलेगा। हम आईटी में हम प्रमोट नहीं हो सकते। अब मैडम मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं आईटी के 5 शहर बनाऊंगी, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो अपने उस पार। मैंने देखा है अभी वो घरों में भी जा रही है, गरीब घरों में भी जा रही है, और जिस तरह से मेरे ख्याल से कि अच्छी बात है, शायद मे भी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि रिसेंट खबर आई थी और मैंने वीडियोज़ भी देखी थी कि मोदी ने जो लास्ट 1 करोड़ के 10 करोड़ उन्होंने घरों में वो दी थी, सुई गैस दिया था, तो उसमें आखिरी जो नंबर था उधर चाय पी थी जाके, शायद आपने भी देखा हो, तो उसी तरह अब हमारे भी यहाँ पर हो रहा है। तो आपको लगता है कि हमें अच्छी चीज़ों को फॉलो कॉपी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करें। मेरा ख्याल है कि मैडम मरियम नवाज शरीफ ने यही चीज़ फॉलो की है कि 5 शहर जो है आईटी का बनाने जा रहे हैं, और बनाना चाहिए, बेहतर करें, उन्हें तौफीक दे, अपने वादे पे कायम हो जाए। वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है इनकी, पाकिस्तान की तो आबादी भी बहुत कम है, इंडिया की तो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है,
लेकिन उनका जो इकॉनमी है वो भी स्ट्रांग है, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिर्फ करप्शन है, हमारी गवर्नमेंट सारे लोग करप्ट हैं और इनका ध्यान सिर्फ करप्शन की तरफ है। हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं अपने तौर पे जो है वो किसी तरह स्नैचिंग करूं और अपना जो है रोजी रोटी किसी भी तरह वो हराम तरीके से हो, हलाल से हो, उसे कोई गर्ज नहीं है मुल्क के साथ। सैक्रीफाइस वीडियो है ये देखिएगा, ये इस साल 2024 में ना मोदी ने ना जो इंडिया के जो जितने भी चाहे वो फॉरेनर्स हैं जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर भारत के हैं, जो भी है नेशनैलिटी से, उनको अवार्ड्स दिए हैं, अवार्ड्स दिए हैं। और आप ये चेक करिएगा, ये अमेरिकन है लेकिन बोर्न अमेरिकन है लेकिन स्टडीज़ के लिए इंडिया आया होता है। अब वो उसको बेस्ट क्रिएटर वो अवार्ड मिलता है क्रिएटर का, तो वो कहता है कि भाई मैं तो भारत के लिए इतना सर्व करना चाहता हूँ, इतना सर्व करना चाहता हूँ, मैं भारत के लिए हर चीज़ करना चाहता हूँ जिस तरह से भारत ने मुझे प्रमोट किया है। अब ये बंदा जो है ये अपने मुल्क को छोड़ के भारत की तरीफे कर रहा है, क्या वजूहत है भाई? नहीं, ये बेसिकली उनको एक उनका जो पैशन है ना उसको एक कह लें कि ज़्यादा या उनको लेवल उस लेवल पे इनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट के लेवल पे कि उनका जो है पैशन बढ़ जाता है कि वो चाहते हैं कि काम करें अपनी कंट्री के लिए। लेकिन पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क ने उन्हें दिया कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट से मायूस हो चुके हैं, इदारों से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, वो किसके लिए काम करें? हर बंदे से मायूसी है उनको। तो देखें ना कि ये जो बंदा है ना, आज इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, तो ये ना अमेरिकन बोर्न है, तो स्टडीज़ के लिए आया था, दोबारा अमेरिका चला गया था, वहाँ जाके इसका दिल ही नहीं लगा। इसने स्टेटमेंट दी बकायदा कि मैं अमेरिका गया लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगा, इसलिए मैं दोबारा इंडिया जा रहा हूँ, मैं कभी कभी अमेरिका जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मेरे घर वाले हैं। तो अब ये ज़्यादा इंडिया में रहता है और कभी कभी सिर्फ मिलने जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा जो कि अमेरिका में रहता है, बोर्न हुआ है, लेकिन स्टडीज़ भी अमेरिका के छोड़ के इंडिया आके स्टडीज़ कर रहा है। तो कितनी बड़ी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी अमेरिका से ज़्यादा अच्छा है। उनके लिए ऑनर है इंडिया के लिए कि वो अमेरिका जैसी कंट्री को छोड़ के इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का कंपैरिजन अब कोई नहीं है इंडिया के साथ, वो बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, एक यंग यूथ है, इनसे एक सवाल करते हैं छोटा सा, इधर ही रहिएगा, इधर जाना नहीं। अच्छा मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं काम करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं। पढ़े ही नहीं हो? नहीं, दो क्लासे पढ़ो। अच्छा आप पढ़ते हो? काम करता हूँ। पढ़े ही नहीं हो? तो हाल है, आप ये देखें ना, इधर आए छोटे छोटे से बच्चे हैं, टू क्लास ये कह रहा है मैं पढ़ा हूँ, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो ये काम करते हैं। ऐसे बच्चे क्या देंगे पाकिस्तान को, क्या सर्व करेंगे, या इंटरनेशनल इसी तरह अगर हमारा चलता रहा क्या इमेज रहेगा हमारे यहाँ? तो कोई काबिल बच्चा ही नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हम इस्लाम से दूर हो गए, पहली बात कि इन बच्चों को या तो इस्लाम की कुछ समझ बूझ वो भी नहीं है। दूसरी साइड पर अगर दुनिया का देखें आप, तरक्की की तरफ देखें, तो उसके लिए रूल्स चाहिए, रूल का हमें पता ही नहीं है, हम फॉलो नहीं करते। जो दूसरी नेशंस है वो उनके रूल्स हैं, उनके पास इस्लाम नहीं है। हमारे पास ना तो रूल्स हैं ना हमारे पास इस्लाम। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर बात की गई है, पाकिस्तान के कई सारे पत्रकार हैं, कई सारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ये बात अक्सर करते हैं कि जिस टाइम पर भारत IIT इंस्टीट्यूट बना रहा था उस टाइम पर पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से डॉलर ले रहा था और जिहादी कैंप खोल रहा था, मदरसे खोल रहा था अफगान जिहाद में। जैसा कि आप सबको ही पता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से किस प्रकार से डॉलर लूटे और जो है ना और जिहादी कैंप बनाए, मदरसे बनाए, और जो उस टाइम की जो पीढ़ी थी, जो बच्चों की शिक्षा थी उसको ना बिल्कुल जो है ना कोई भी मॉडर्न जो एजुकेशन है कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। कई बार आपने भी सुना होगा पाकिस्तान के पत्रकार ये कहते रहते हैं कि उस टाइम पर जो है ना अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तानी मानते हैं ऐसा, अमेरिका ने तो कभी ये तस्लीम नहीं किया कि वो उस टाइम पर कोई पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि उस टाइम पर अमेरिका हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त था और काफ़ी डॉलर जो है ना अमेरिका से पाकिस्तान में आते थे और पाकिस्तान की आर्मी और उनकी जो सरकारें थी वो सिर्फ डॉलर लेती थी, कभी उन्होंने कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मांगी अमेरिका से, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ये हाल हुए पड़े हैं। बाकी जो इस शख्स ने यहाँ पर वीडियो के अंदर बात की है, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।